नमस्कार, मैं हूं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की उपस्थिति में आज पार्टी कार्यालय में हरदोई के भाजपा सांसद अंशुल वर्मा जी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो भाजपा की नीति और नियत से क्षुब्ध थे। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव मोहम्मद फहद एवं जाकिर खान ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर मोहम्मद आजम खान, अहमद हसन, नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी, कंकर मुजारे इत्यादि लोग मौजूद रहे। अखिलेश यादव जी ने अंशुल वर्मा जी से कहा है कि आपके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिली है और वो एक नई दिशा तय करेगी। इसके साथ ही उन्होंने उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। बने रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, सबक है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में आज समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में हरदोई के भाजपा सांसद श्री अंशुल वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के महासचिव मोहम्मद फहद एवं जाकिर खान ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। श्री अखिलेश यादव ने श्री अंशुल वर्मा को समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनके आने से समाजवादी पार्टी को मजबूती मिलेगी। साथ ही श्री अंशुल ने कहा कि वे भाजपा की नीति और नियत से क्षुब्ध थे, वे बिना शर्त समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। श्री वर्मा ने कहा कि उनकी आस्था श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में हमेशा रहेगी। वहीं इस अवसर पर सरश्री मोहम्मद आजम खान, अहमद हसन, नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी, कंकर मुजारे की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मानक रखा था वो विकास का था। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने कई जगह छापा भी, जो पहले लिस्ट आई थी उसमें चौथे चरण तक के प्रत्याशियों के नाम काट दिए थे। 6 में से 4 प्रत्याशी दलित समाज से थे। पहला प्रश्न मेरा ये पूछा गया था, क्या दलित समाज के जो सांसद हैं वही निष्क्रिय हैं? एक प्रवक्ता टीवी पे आके कहते हैं कि उन सांसदों के टिकट काटे गए हैं जिन्होंने कार्य नहीं किया। इस चीज से मैं आहत हुआ, कई जगह नकारा भी कहा गया। पीड़ा होती है जिस व्यक्ति ने कार्य किया हो। जिस जनपद से मैं आता हूं वो उत्तर प्रदेश का, जब मैं जीता था तो आखिरी पायदान का जनपद था विकास दर में। 5 साल के अंतराल में 24,000 करोड़ रुपया लगाने के बाद आज जब वो 14वें पायदान पर है, 94% मेरी उपस्थिति सदन की रही और 95% मेरी अपने क्षेत्र में उपस्थिति रही। जब मैंने सवाल पूछा कि टिकट मेरा किस आधार पर काटा गया, ना तो किसी जिम्मेवार ने इस बारे में बात करना मुनासिब समझी और ना ही किसी ने मुझे मिलने का समय दिया। इससे मैं आहत हुआ। एक तो वजह थी ये, एक प्रकरण था, शायद आप लोगों के संज्ञान में होगा, हमारे जनपद में मंदिर परिसर में शराब बांटने का काम। आप ही के दल के एक बड़े नेता हमारे पार्टी में आए थे, भारतीय जनता पार्टी में, तो उन्होंने कार्य किया था। वो पासी समाज का सम्मेलन था जिस समाज से मैं आता हूं, तो उससे आहत होकर मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा था और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का उनसे आग्रह किया था, ना तो उस पर सुनवाई हुई। जिस समाज ने मुझे 21 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में स्थापित किया था, कहीं ना कहीं मैं इस चीज से आहत था। मुझे ये नहीं समझ में आया, विकास की बात हुई, आप लोग विकास देखते हैं, भ्रष्टाचार नहीं सुनाई देता, ये सही बात है, आप लोगों को सुनाई देती है तो स्वच्छता। आपको नहीं लगता कि स्वच्छता ने भ्रष्टाचार का रूप ले लिया है? इस देश में विकास हुआ हो ना हो ये मेरी बहस का विषय नहीं है, लेकिन एक चीज कहूंगा, जब आंख देखती है तो दिमाग समझता है। बीजेपी का कार्यालय जो करोड़ों की लागत से बना है दिल्ली में, जनपद के हर जिले में कई करोड़ की लागत से बने हैं कार्यालय, तो ये अपना विकास था और सबका साथ था, ये सोचने की बात थी। आप में से कितने लोग हाथ खड़े करके बता सकते हैं, आप सभी बच्चे अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, कितने लोग अपने बच्चों को चौकीदार बनाने का काम कर लेंगे? या ये महज दिखावा है या एक अनदर स्लोगन कह सकते हैं हम लोग? मुझसे कहा गया कि आपने अपनी वॉल पे चौकीदार नहीं लिखा। जनाब, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, विकास किया है, विकास करेंगे, चौकीदार नहीं अंशुल ही बनकर रहेंगे।
जिस समाज ने मुझे चुना, मुझे लगता है ये मेरा दायित्व बनता है उसको आगे बढ़ाने का काम करना है। जब कहीं सुनवाई नहीं थी तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जब मैंने अपनी फरियाद रखी, उन्होंने विश्वास दिलाया आपका ही नहीं आपके समाज का ध्यान रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में अंतर पाया मैंने। जिस समाज का आपने अपने पार्टी को बढ़ाने का काम में सहयोग लिया, उनकी अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही चीज़ आज मैंने भी वही कार्य किया। अपना इस्तीफा जब मुझे कोई नहीं मिला था तो मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया। मैं चौकीदार नहीं लिखूंगा, लेकिन अपना इस्तीफा प्रदेश कार्यालय के चौकीदार को देकर आया हूं, और तो कुछ नहीं कर सकता था, एक दिन का उसके वेतन का सहयोग करके आया हूं। और जितने लोग चौकीदार लिख रहे हैं, ये धन कुबेर जितने ही चौकीदार लिख रहे हैं, मेरा आपके माध्यम से एक ही आग्रह रहेगा, या तो अपने अपने क्षेत्र में किन्हीं 10 चौकीदारों का वेतन की जिम्मेवारी लें, क्योंकि धन कुबेर शब्द इस्तेमाल मैंने किया है, या फिर अपने मोहल्ले के चौकीदार के स्थान पर एक रात महीने में चौकीदारी करके दिखाएं, उसके बाद अपने साथ चौकीदार लगाने का काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। मेरे पास औरंगजेब का बड़ा नायाब फरमान है। मुगल बादशाहों के फरमान एक तरफ लिखे जाते थे, लेकिन ये दो तरफ लिखा हुआ फरमान है, लेकिन इस विश्वविद्यालय की दीवारों को तोड़ा गया है। मेरे 4 स्कूल चलते हैं CBSE बोर्ड के, जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, उन्हें ड्रेस किताबें स्कूल देता है। माँ बाप में से एक नहीं होते हैं तो 50% कंसेशन। जो लोग मजदूरी करते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, उनसे मात्र 20 रुपया फीस ली जाती है। मेरा एक किड्स स्कूल है, उसके बच्चों के कान पकड़कर कुर्सी से उठाए गए, 4 साल के बच्चों के। जिलाधिकारी के आदेश पर ADM साहब ने, खुद सिटी मजिस्ट्रेट ने, SDM ने, और उन बच्चों के सरों पर कुर्सियां रखवा कर सहन में रखवाई गई। मात्र 2 कमरे खाली कराना थे। मैंने तो ये सुना था कि पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन शायद पूरी दुनिया में ये अनोखी मिसाल होगी कि विश्वविद्यालय परिसर में सरकार को ज़मीन इस शर्त पर पानी का ओवरहेड टैंक लगाने की दी गई थी कि विश्वविद्यालय को पानी मुफ्त दिया जाएगा। पानी देना तो दूर की बात, एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय ज़रूर है, लेकिन 70% वहाँ पढ़ाने वाले उस्ताद हिंदू समाज के हैं। 35% बच्चे और बच्चियाँ हिंदू हैं, लेकिन लगभग 6 महीने हो गए हैं कि इस ओवरहेड टैंक का पानी का कनेक्शन काट दिया गया है, और मेरे बच्चे तालाब से या हैंडपम्प से पानी पीते हैं। जहाँ मानवता और एक आम हमदर्दी इस हद तक गिर गई हो, वहाँ देश चलाने वालों से कोई शिकायत करने का हक नहीं बनता। सबका साथ सबका विकास, विश्वविद्यालय की दीवार तोड़ेंगे, पानी का कनेक्शन काटेंगे, मासूम बच्चों के कान पकड़कर उन्हें उठा देंगे, और फिर ये कहेंगे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। इसलिए उन खोखले नारों से मेरे ख्याल से देश का दिल बहुत भर चुका है। हम हर समय इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे स्कूल छीने जाएंगे, कब विश्वविद्यालय में ताला डाला जाएगा, लेकिन शायद इतिहास इन बातों को, अगर मेरे इस काम को नहीं याद रखेगा, तो मोदी जी के, योगी जी के, जो सदन में कहते हैं काट डालूंगा। उत्तर प्रदेश की संवैधानिक कुर्सी पर, सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि काट डालूंगा, ये भाषा शायद चंबल के किसी डकैत की भी नहीं होगी। काट डालूंगा, ठोक दो। क्या संदेश दे रहे हैं हम नई पीढ़ी को, क्या सिखा रहे हैं हम? इसीलिए मैंने बादशाह को बादशाह कहना छोड़ दिया, अब मैं उन्हें शहंशाह कहता हूँ। इसलिए शहंशाह कहता हूँ कि शहंशाह की ज़बान से जो कुछ निकलता था वही इंसाफ होता था, लेकिन न्याय नहीं होता था। 20 लाख रुपया हर शख्स के घर पहुँच जाएगा चुनाव के 100 दिन बाद, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी मिलेगी, यानी 10 करोड़। शहंशाह तो ये वायदा पूरा नहीं कर सके, लेकिन जल निगम में आपने मेरे विभाग में कई हज़ार बच्चों बच्चियों को नौकरी दी। उन्हें इसलिए निकाल दिया गया कि उसमें 2-4 अल्पसंख्यक भी आ गए थे,
सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों की ज्वाइनिंग का आदेश किया और बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई। SIT हम पर आज भी उसकी तलवार टंगी टंगी हुई है। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि जब देश इतने बड़े झूठ का यकीन कर सकता है, 20 लाख रुपया, हर व्यक्ति ये समझा था कि मेरे परिवार में 5 लोग रहते हैं, मैं 1 करोड़ का आदमी हो गया, 8 व्यक्ति रहते हैं तो मैं 1.5 करोड़ का व्यक्ति हो गया, सब लोगों ने करोड़पति समझकर वोट दे दिया था, सब ने ये समझा था नौकरियां मिल जाएंगी। अगर इतने बड़े झूठ का 130 करोड़ का हिंदुस्तान भरोसा कर सकता है, तो अभी जो कांग्रेस ने घोषणा की है, मोदी जी को इसका भी यकीन कर लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सबसे पहले सांसद अंशुल वर्मा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ और जो सरकार जा रही है उसको और धक्का मार करके आप आए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। हालांकि आप पहले ही आना चाहते थे लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां रहीं, आप नहीं आ पाए, लेकिन अब भी अच्छा लगा है कि कम से कम हम लोगों को एक नौजवान नेता पासी समाज में मिल गया है जो जगह जगह जा कर के जो सच्चाई है चौकीदार टीमों की वो बताएंगे। मैं इस मौके पर बधाई देता हूँ इनके तमाम सहयोगी साथी जो शामिल हो रहे हैं और इस चुनाव में पूरी ईमानदारी से इनका सहयोग और मदद मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि एक के अलावा भारतीय जनता पार्टी का और कहीं खाता नहीं खुलने वाला है। जनता नाराज़ है, दुखी है, परेशान है। असल मुद्दे या असली मुद्दे ज़मीन पर जो हैं, जनता उसी का इंतज़ार कर रही, उसी पर मतदान होगा। नौजवान ढूंढ रहा है कि आखिरकार नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार के अवसर कैसे पैदा होंगे। किसान को जो सपने दिखाए गए थे कि कर्ज माफ हो जाएगा, आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी भी वो सपने के सपने ही बने हुए हैं। जो पैसा थोड़ा बहुत मिला भी है किसानों को, किसान वो जानते हैं, जो 5 किलो उनकी बोरी से चोरी हुई थी वही पैसा सरकार लौटाने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार को जो कर्ज माफी के बाद किसानों की खुशहाली लाने का बात करनी थी वो नहीं हुई है। आलू अभी तक 1 किलो सरकार ने नहीं खरीदा है। कई फसलें आलू की किसानों ने ली हैं लेकिन अभी तक सरकार ने 1 किलो आलू भी नहीं खरीदा है। सरकार और मुख्यमंत्री जाकर के सभा में ये कहते हैं कि गन्ना किसानों का इतना भुगतान हुआ है, इतने 1000 करोड़। किसान भुगतान नहीं जानना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश का किसान अपना बकाया पैसा चाहता है जो सरकार अभी भी नहीं दे पा रही है। 14 दिन का वादा किया था लेकिन अभी भी गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो पाया है। और फिर जो महंगाई बढ़ी है, जो सरकार की नाकामी है, जो महिलाएं असुरक्षित हैं और घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। जो रिस्पॉन्स सिस्टम था 100 डायल 100, उस डायल 100 को भी बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जो अब चुनाव की तारीखें आ गई हैं, हमें उम्मीद है कि एक एक वोट गठबंधन पे पड़ेगा, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने बहुत बड़े पैमाने पे निराश किया है। मैं एक बार फिर अंशुल वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और कंकम मुंजारे जी जो बालघाट से पहले भी MP रहे हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं वो इसलिए ज़रूरी थी
कि कम से कम लोग जान जाएं। और समाजवादियों ने अगर कभी वादा किया होगा तो उसको जमीन पे लाकर के पूरा करने का काम भी किया है। इसीलिए कल मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस बात का अध्ययन कर रही है कि गरीब को हम क्या दें, गरीब को किस तरीके से समाजवादी योजनाओं से जोड़े, जो उसका सम्मान हो वो सम्मान लौटे, खुशहाली उसके घर पर आए। उस अध्ययन कर करके बहुत जल्दी हम आपके बीच में आएंगे और आपके माध्यम से देश के सामने वो बात रखेंगे। वहीं जो अन्याय हो रहा है आदरणीय आजम खान साहब के साथ, इतना शायद अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उर्दू दरवाजा तोड़ दिया गया, यूनिवर्सिटी की दीवारें तोड़ी गईं और न जाने क्या क्या इस सरकार ने किया है। ये सरकार के इशारे पर, और मैं कहूँगा कि अगर आपका लाइसेंस कैंसिल किया है तो मुख्यमंत्री जी का भी लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए। आप पर तो पॉलिटिकल मुकदमे हो सकते हैं। लाइसेंस है उन्होंने जो एफिडेविट दिया है चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग को दिया है उसमें कुछ उन पर लाइसेंस हैं। अगर चुनाव आयोग को कोई बात कही गई है तो मैं समझता हूं वो बात सच होगी। और अगर आपका लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई कर रहे हैं तो कम से कम जो जिलाधिकारी जहां हैं वो भी हिम्मत जुटाएं और मुख्यमंत्री जी के भी लाइसेंस कैंसिल करें। सरकार वही अच्छी होती है जो बिना भेदभाव के काम करे। अन्याय कहीं से भी हो सकता है लेकिन कम से कम सरकार को अन्याय नहीं करना चाहिए, और जब सरकार अन्याय करने लगे तो जनता को उस सरकार को हटा देना चाहिए। और यही मौका जनता को मिलने जा रहा है, ये परिणाम बताएगा कि सरकार के खिलाफ कितना मतदान हुआ है। मैं इसरो और डीआरडीओ को बधाई देता हूं जो मिसाइल उन्होंने इजाद की है, उसके लिए भारत की सबसे प्रीमियर जो एजेंसीज हैं और जो साइंटिस्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं जिसमें जुड़े रहे होंगे, उनको मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। और हमें और आपको तो ऐसा लगा कि न जाने क्या बात टीवी से आएगी, लेकिन देखो चुनाव सर पर है, उस समय भी धोखा टीवी से दिया जा रहा है, टीवी से धोखा। और ये जो साइंटिफिक और स्ट्रेटजी और डिफेंस की जो रिसर्च है वो होती रहती हैं, हमेशा चलती हैं। हमसे चीन ने हमसे पहले ना जाने कब कर दिया। तो लड़ाई या जो जनता को मुद्दों से हटाने का काम कर, इसीलिए मैं कहता हूँ समाजवादी लोग बेरोजगारी से, किसान की भलाई से और व्यापारी के सामने जो संकट हुआ उससे नहीं हटेंगे। बिना अध्ययन के हम नहीं कह सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने इससे ज्यादा करके दिखाया है। 3,05,000 का लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, अगर योजनाओं को जोड़ करके कटौती कर करके कोई एक पैकेज बना करके दे दें तो बड़े पैमाने पे गरीबों की मदद की जा सकती है। ई रिक्शा दिया है, ये मंच से मैं बोलूंगा, ये यहाँ पर बोलने की जगह नहीं है, लेकिन मैं मंच से जरूर बोलूंगा। जिन लोगों ने मंच से हमारे बारे में कुछ कहा था उनका जवाब मंच से ही होगा और जनता के बीच में होगा। देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, जो कलाकार हैं उनकी भी विचारधारा होती है, जो भारत के नागरिक हैं जो वोट करने जा रहे हैं उन सब की कोई ना कोई विचारधारा है, वो जुड़ सकते हैं। अब मान लीजिए हमसे राजपाल यादव मिलकर चले गए, हमने उनसे कहा कि चंबल के डाकू और सुल्ताना डाकू पर ही फिल्म बना दो कोई। आप मुसलमान हैं? नहीं है, तो आपके यहाँ तो काफी गुंजाइश है। वो एएमयू के बच्चे और दो लोग हैं और एक वो गुल्लक वाले, एएमयू के 3 बच्चे और शामिल होने चाहिए। रिजल्ट के बाद पता लग जाएगी। अभी कंकन मुंजारी जी ने क्या कहा,
वो उसी जगह से आए हैं मध्य प्रदेश से जहाँ पर कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो वादे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और फिर आखिरकार गरीबी का दोषी कौन है? ये देश में जो इतनी गरीबी है, कल आप नहीं थे शायद प्रेस में, मैंने कहा आप थे, आप जानबूझ करके नहीं सुनना चाहते उन बातों को। मैंने कहा कि 30, 35 और 40 साल में दुनिया के अरो हमारे पड़ोस में देश कहाँ पहुँच गए, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन हमारा देश देखो कहाँ पहुँच गया। अगर कोई जिम्मेदार है तो उसमें कांग्रेस भी जिम्मेदार है, गरीबी की, बेरोजगारी की और हमारे देश को पीछे करने में। और बीजेपी और कांग्रेस और कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। वो एक अच्छे मंत्री हैं जो कम से कम सरकार में रह करके सच बोल रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि अध्ययन कर करके उससे अच्छा गरीबों के लिए काम समाजवादी सरकार ने किया, आवास आसरा शहरों में दिया, ई रिक्शा दिया, लोही आवास 3,05,000 का दिया जिसमें सोलर पावर थी, इनर एलईडी बल्ब थे, पंखे चल सकते थे, लैपटॉप दिया, कन्या विद्यादान दिया। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये बात है कि गरीब की मदद होनी है तो कम से कम उस गरीब की सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब शौचालय ही देख लीजिए कैसा दिया है शौचालय, कितनी बार मैं याद दिलाऊं आपको शौचालय के बारे में, आप खुद जानते हो उस बात को। महाकुंभ कह दिया भाई, जो शौचालय दे रहे हो बिना पानी का शौचालय कैसा दे रहे हो आप? इसमें नीति आयोग क्या कर रही है, सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? कम से कम समाजवादी लोगों ने यह फैसला लिया है कि कोई ना कोई योजना ऐसी बने जिसमें तमाम गरीब की समस्या का समाधान हो सके। किस अखबार के हो तुम भाई? अच्छा तुम्हारा जवाब है, जूनियर है सबसे, तब भी जवाब देंगे तुम्हारा। दो साथी और हैं एएमयू के, तीन बच्चे हैं, नाम पढ़ देना अध्यक्ष जी, तीनों के पढ़ दे। और गोलक लाइए विश्वकर्मा, गोलक बुलाता है, सीधे खड़े नाम उनको अध्यक्ष जी को दे दो। अरे तुम लोग यार, तुम्हारे बड़े थे, पीछे खड़े जाओ, पीछे खड़े जाओ। ए गोलक यहाँ आओ, नाम बताओ अपना। कनौजिया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए आशीष यादव की रिपोर्ट, लखनऊ।